देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण है तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए। देवताओं में वो गुण है और वो आप बच्चों में हमेशा दिखाई देना चाहिए, ऐसा कौन सा गुण है? हर्षित रहना। मूर्तियों को देखो, देवी देवताओं की सदा मुस्कुराती हुई बनाते, हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम भी सदा क्या रहो? हर्षित मुख रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारी खुशी में कभी भी कोई कमी ना आए। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारी खुशी में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए, कभी भी उदासी व गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, बाबा भी हमें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा करते हैं? हम कहना मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, कभी बाबा को गुस्सा आता है? नहीं आता। बाबा हमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है कब समझानी देते हैं? कैसे पता लगता है? रोजाना मुरली में हमें बाबा समझाते हैं, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, अंधेरा क्या है और प्रकाश क्या है, धक्के खाना क्या है, सुख का रास्ता क्या है, किधर चलना है ये आप डिसाइड करो। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना, चाहे अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, क्या कर रहा है वो? राइट। तो बीपी हाई नहीं होगा ना, हार्ट अटैक नहीं होगा ना, कोई बीमारी नहीं आएगी ना? आएगी, थॉट से आने वाली बीमारी, लाइफस्टाइल से आने वाली बीमारी का इलाज हो गया। कभी बीपी नहीं हो सकता, बीपी होता है हमारे थॉट से, थॉट इतना पकड़ लेते हैं कि रात को नींद नहीं आती है, बस वही बात याद रहती है, छोड़ नहीं सकते, दुखी होते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो हम यहाँ उदास नहीं हो सकते, टेंशन में नहीं आ सकते, डिप्रेशन में नहीं जा सकते, हमेशा सदा खुश रहेंगे, कभी भी कोई बीमारी आ नहीं सकती, क्योंकि खुशी जैसी कोई दुनिया में खुराक ही नहीं।